अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपका से खुश और आबाद रखे। तो आज की वीडियो को मैं आगाज़ कर रही हूँ मॉर्निंग से। तकरीबन 8:05 हो गए थे तो मेरे हस्बैंड और बेटी चले गए थे ना, बेटी स्कूल चली गई थी, हस्बैंड जो थे वो चले गए थे काम पे। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं था किया। तो आज मैं खाने लगी थी गोभी वाला परांठा। तो आपको पता ही है सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में गोभी वाला परांठा तो को पता है कि गोभी का परांठा तो सबका फेवरेट होता है। और सर्दी आ गई है तो गोभी की तो भी शुरुआत है, तो हर घर में तकरीबन हर हफ्ते ही परांठा ज़रूर बना। मेरी तो फेवरेट है गोभी। तो ये कोको जो बैठी हुई है अभी तो बड़ी बैठी हुई है शरीफ बन के, लेकिन इसने ये मुझे बहुत तंग करती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती। आप खुद ही वीडियो में देख लेना। तो मैं अपना परांठा जो है वो कर रही हूँ इंजॉय साथ चाय। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो नाश्ता करके सबसे पहला जो काम होता है वो मैंने करनी है कमरे की सफाई। आप देख सकते हैं कमरे की हालत क्या हो गई हुई है। तो अक्सर तो सबके घर का यही हाल होता है सुबह का टाइम। साथ टीवी भी देख रही थी, ड्रामा दिखाया हुआ था, तो सबके घर का यही हाल होता है। देखिए टॉवल कहाँ है, कंबल किधर, ऐसी चीज़ें फेंकी। तो मैं अपना परांठा जो है फिनिश कर चुकी हूँ। अब मैं पी रही थी अपनी चाय। चाय नहीं मैं इतनी पी थी, लेकिन अब पीने लगी, सर्दी आ गई है तो अब मैंने पीनी है चाय। चाय पीने से थोड़ा नींद नहीं आती सुबह के टाइम, वरना तो ऐसे सुस्त सुस्त हो जाता है बंदा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना काम, यानी कि घर की सफाई। तो सबसे पहले जो मैंने काम करना होता है ना, जो जो नीचे वाला कमरा है मैंने ये साफ़ करना होता है, फिर ही मैंने कुछ और करना होता है। तो ये जो थी ये चौंकी भी जिसे कह सकते हैं, या नमाज वो थी। तो हमने इसको सोने के लिए बना लिया हुआ था, तो इसके ऊपर मैंने देखे कपड़ा बिछा दिया, लेकिन जो कोको है वो उठ नहीं रही थी यहाँ से। मुझे ऐसे ही तंग करती है ये, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कंबल वगैरह तय कर लेती हूँ। अभी तो वो ये नॉर्मल कंबल ही हम ऊपर लेते हैं रात को, इतनी ठंड नहीं है अभी, लेकिन बाद में बड़े वाला कंबल हम निकाल लेंगे। अभी तो फ़िलहाल यही कंबल हम लेते हैं, छोटे वाले, ये भी काफ़ी अच्छे प्रिंट हैं। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही सर्दी अब तो बहुत कम पड़ हो गई है। जब मैं छोटी थी या मेरी अम्मी अब वो भी बताते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, अब तो बहुत ही सर्दी कम हो गई। अब तो उतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी कि हमारे दादा दादी या नानी के ज़माने में पड़ती थी। तो ये कोको को मैं नीचे उतारी, उठ जा बीबी रानी कि मैंने सफाई भी करनी है यहाँ की, लेकिन ये ऐसे ही करती है। अब आप देख लेना खुद ही, ये फिर आ जाएगी ऊपर ना, इसने नहीं बाज, जितना मैं चीज़ों को हाथ लगाती इसे ही होते मुझे खिलाने के लिए लगी हुई है। देखिए फिर पहुँच गई है ऊपर ना। तो अब मेरे कैमरे की शामत आने लगी है, तो मेरा स्टैंड ये देखें किधर चढ़ चढ़ के लगी हुई है, कैमरे स्टैंड के ऊपर चढ़ी हुई है कोको। तो ऐसे ये देखिए जितना इसे मना करेंगे ना उतना ही वो काम करेगी ये ना, ये देखें जितना इसे मना कर लो इसने वो काम ज़रूर करना है। अगर मैं झाड़ू लगाऊं तो झाड़ू को पकड़ लेती है, अगर पोचा वगैरह लगाऊं तो पोचे को पकड़ती है जागे से। ये तो कि शायद ना अब मुझे खिलाने के लिए लगी हुई है। ये देखिए अब टीवी देखने लगी है, टीवी देखने लगी। बेड तो मैंने सेट कर लिया था, तो ये देखो टीवी, टीवी बड़े शौक से देखती है, यानी कि ड्रामा वगैरह लगाओ कुछ भी लगाओ बड़ी मस्त होकर बैठ के देखती है। तो आज मैंने ये देखे कितनी डस्ट पड़ी हुई है, मैंने आज इसकी सफाई करनी थी। तो इसका कलर भी ऐसा है, यानी कि जिसको टाली कलर कहते हैं, जो फर्नीचर का कलर होता है वो वाला कलर है, तो इसलिए बहुत गंदा होता है। ये छोटा सा मैंने वाज बना के यहाँ पे रखा हुआ था, ये मेरी बेटी का काम था, तो इसमें छोटी छोटी मैंने चीज़ें रखी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये तीन फूल थे जो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे, ये ट्रे बनी हुई थी छोटी सी डेकोरेशन पीस, और ये थी चाक जो होता है उसकी गुड़िया बनी हुई थी जो मेरे हस्बैंड लाए थे। तो ये हार जान के ये मैंने ही बना के दिया था। तो मैंने यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, ये है ग्लास, यानी कि छोटा सा ग्लास है, ये भी वाज है छोटा सा। मुझे ऐसे वाज बहुत पसंद हैं जो छोटे छोटे हों, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाज। तो अभी कुछ इसके जो डिब्बे हैं वो खाली हैं, बत्तख बनी हुई थी, ये था सोफ़ा छोटा सा, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये ट्रेन बनी हुई थी छोटी सी, ये थी कैब,
और कप ऐसे ही छोटी सी वॉज वगैरह थे, ऊपर कुछ पड़े हुए, मेरी बेटी की भी कुछ चीज़ें थी ऊपर, तो ये मैंने इसको साइडों पे से स्टार वगैरह लगा के मैंने इसको डेकोरेशन कर दिया था। तो अब देखे मैंने इसकी सफाई है की है तो ये नीट हो गया है सारा। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो रखने वाली हैं, कुछ बाजार जाके चीज़ें नई लाने वाली हैं। तो ये जो थी ये बेल थी, यानी कि बेल बनी हुई थी। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी मेरे हस्बैंड लाए थे, ये जब घूमने गए थे मानसरा वहाँ से लेके आए थे। ये चाक की चीज़ें बनी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये भी, ये आप देख सकते हैं। तो एक वाज में यहाँ पे रखने लगी थी, ये कितने ज़्यादा मैं वाजे छोटे छोटे लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते। ये कैमल बना हुआ है, ये भी चाक का है, तो छोटा सा सात घर बना हुआ है, ये मैंने इधर रख दिया है। तो ये देखें ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बना हुआ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर पे बना कर रखने से घर काफ़ी अच्छा लगता है, उसके डेकोरेशन वगैरह हो जाती है। तो ये भी मैंने सिंपल सा बनाई, ये वाज है छोटा सा मैंने खुद बनाया था, इसके साइडों पे मेरे पास स्टार थे पड़े हुए एक्स्ट्रा, वो मैंने चिपका दिए थे। तो ये देखें आप कितना अच्छी लग रही है दीवार। ये कुछ पिक्चर लगी हुई है अल्लाह मोहम्मद की, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो ये जो अब वुड का पीस है, ये यानी कि जो ट्रे बनी हुई, ये मेरी फेवरेट है, जो मुझे बहुत पसंद है, ये मैं ही लेके आई थी। ये बेड के ना एन ऊपर मैंने लगाई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। तो ये कॉर्नर है, LED के कॉर्नर है, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सजावट की हुई है मैंने। तो ये साइड टेबल है बेड के, तो यहाँ पे एक पिक्चर जो थी वो मैंने एक फ्रेम में लगा कर रखे थे, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बना के लगाई थी। तो ये कोकोड़ानी फिर आ गई है, फिर मेरे कैमरे को आके लगी है टच करने। देखे इसके काम ऐसे ही करती है ये पूरा दिन, बस इसको बस यही काम होता है तंग करना। तो मैंने बेड की यानी कि चौकी वगैरह बेड मैंने सबकी सफाई कर ली थी। ये जो चौकी है इसके ऊपर जो मैंने कपड़ा डाला है ये वाइट कलर में है, तो काफ़ी नरम नरम मुलायम है मुझे कपड़ा, ये आप देख सकते, काफ़ी अच्छे वाला कपड़ा है। ये देखें फिर आ गई है, कहती है उसे ये कच्चा मुझे खिलाने के लिए लगी है। ये देखे जितना मैं चीज़ों को हाथ लगाऊँ उतना ही आके मेरे हाथों को पकड़ेगी कि छोड़ो मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। ये देखे लड़ाइयाँ तो पूरी लेती है, मुकाबला भी पूरा ही करती है। देखें ज़रा इसके काम, दोनों हाथों से खड़े हो के ना तो मुझे लड़ाई ले रही है। तो अभी अभी ये पार्सल आ गया था दराज से, तो काम वगैरह तो मैं कर चुकी थी, सारे घर की सफाइयाँ कर ली थी। तो मैंने ये पार्सल अभी आया था, तो इसमें जो है ना वो पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की हुई है, काफ़ी मज़बूत पैकिंग की होती है इन्होंने, ड्रॉज वालों से मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने ये। तो इसमें कैट यानी के कैट फूड है, तो ये बड़े वाला पैक हमने मंगवाया था, फ्लफी फ्लफी क्वालिटी कैट फूड है ये। तो ये तकरीबन 1.5 kg था, ये लिखा भी हुआ 1.5 kg था तकरीबन। तो ये आया था 500 में। तो अभी कैट तो पहले सो गई थी, मैंने काम वगैरह कर लिए थे, तो अभी वो उठ गई थी। ये देखे ना ऐसे है ये, तो मैं उसको डालने लगी थी कि खा ले, देखो कितने शौक से खा रही है, उसे बहुत पसंद है। पहले कैट फूड कोई और था वो भी खा लेती थी, ये नया आया था, मैंने मुझे लगा शायद ये ना खाए, लेकिन वो खाने लगी है और ये फर्श पे डाल के ज़्यादा खाती है अच्छे तरीके से। इसे बॉल वगैरह में डाल के दिया जाए तो इतना नहीं खाती जितना कि ये फर्श पे खुश होके खाती है। तो अब मैं आ गई थी, मैंने सोचा आज मैं फेशियल कर लूँ, तकरीबन महीना हो गया था मुझे फेशियल किए हुए। तो मैंने स्पंज जो थे ना वो वेट कर लिए थे, यानी कि मैंने इनको पानी से गीला किया था तो नरम हो गए थे। तो आज मैं स्क्रब वगैरह से शुरुआत करने लगी थी, स्किन बहुत ख़राब हो गई। तो आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में स्किन की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी पड़नी है, मुझे तो ड्राइनेस ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन बहुत ऐसे ख़राब हो जाती है। तो आज मैं ये वाला मास्क यूज़ करना है, पिछले महीने जो मैंने ये फेशियल किया था मैंने दूसरा मड मास्क यूज़ किया था। तो एक गार्नियर का फेशियल है, मैं फ़िलहाल अभी यही कर रही हूँ, तो मैंने हाथों पे भी करना है और चेहरे पे। ये थी स्किन पॉलिश जो मैं अभी अप्लाई करने लगी थी, स्क्रब कर लिया था। तो
मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं हाथ चेहरे पे ही बस फेशियल वगैरह या कुछ चीज़ें अप्लाई की जाएँ, हाथों और पाँव के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाथों पे स्पेशली ज़्यादा, क्योंकि हमने बर्तन धोने होते हैं, सफाइयाँ घर की काम काज करने होते हैं या कपड़े धोने होते हैं, तो हाथ बहुत डल की स्किन बहुत डल हो जाती है। तो आज मेरी आवाज़ भी कुछ ख़राब है, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो आप मुझे बताना आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।